मिथिला पालकर ने बड़े पर्दे के अलावा डिजिटल पर भी अपना नाम कमाया है। तो चलिए जानते हैं मिथिला पालकर अब तक किन किन मूवीज और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं। अगर बात करें इनकी मूवीज के बारे में तो इन्होंने मूवीज में डेब्यू 2014 में किया था। इन्होंने सबसे पहले माजा हनीमून नामक मूवी में रजुता का रोल किया था। यह एक मराठी शॉर्ट फिल्म थी। इसके बाद ये कट्टी बट्टी मूवी में कोयल काबरा का रोल करती नजर आई, जो कि एक हिंदी मूवी थी। मुरांबा में इन्होंने इंदु की भूमिका निभाई। इसमें इन्होंने लीड रोल किया था। अभी एक मराठी मूवी ही है। कारवा मूवी में इन्होंने तान्या का किरदार निभाया। इसमें भी इनका रोल काफी अहम था। चॉपस्टिक्स नामक मूवी में निर्मा का रोल करती नजर आई थी। इसमें भी इन्होंने लीड रोल ही किया। त्रिभंगा, इसमें इन्होंने माशा का रोल किया है। यह एक ट्राइलैंग्वल मूवी है। यह मूवी हिंदी, इंग्लिश और मराठी लैंग्वेजेस में आई है। इसके अलावा मिथिला पालकर ए बेबी सिटर्स गाइड टू मॉन्स्टर हंटिंग में एक बेबी सिटर के रोल में नजर आई थी। यह एक इंग्लिश मूवी है। मिथिला पालकर की वेब सीरीज है गर्ल इन द सिटी, जिसमें इन्होंने मीरा सहगल का रोल किया। लिटिल थिंग्स में काव्या कुलकर्णी का रोल करती नजर आई, जिसमें की ध्रुव सहगल के साथ लीड रोल करती नजर आई। ऑफिशियल चुकियागिरी में इन्होंने मिली की भूमिका निभाई। इसके अलावा मिथिला प्रेटी फिट और मासंबा मासंबा में एज ए गेस्ट नजर आ चुकी है। तो ये मिथिला पालकर की अब तक की सभी मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट। आपको इनकी कौन सी मूवी या वेब सीरीज पसंद है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।